हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द हेड ड्राइवर। वी हैव ऑलरेडी डन टू पार्ट्स ऑफ इट, लेट्स डू थर्ड एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन इट। आई नो ओलिवर्स मदर सीज अ टेरर बिल साइट। अब जो है बिल उसको कहता है कि मतलब अब तक वो कहानी बना लेता है ना कि जो है एक फ्रेंड भी उसका बता देता है कि वो अपनी मम्मी के पास चला गया है। तो बिल उसको बताता है, खैर मैं बिल की मम्मी मैं उसको जो है ओलिवर की माँ को जानता हूँ, बहुत ही खतरनाक हो। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। एक बार मैं उसके लिए एक ट्रंक ले गया। ट्रंक मतलब एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है, बक्सा जो है, वो उसके लिए एक बार लेके गया। एंड सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। मैं जो मेरी तो एकदम से बहुत बुरी हालत कर दी थी, मेरी तो खाली भी दौड़ दी थी। क्यों? क्योंकि मैंने जो है उस ट्रंक को मतलब अंडे के बॉक्स की तरीके से ट्रीट नहीं किया, मतलब बहुत ही केयरफुली मैंने ट्रीट उसको नहीं किया, इसीलिए जो है मेरी तो हालत एकदम ख़राब कर दी थी। सी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक। 9 feet तो लंबी है और 4 feet चौड़ी है, मतलब बहुत मोटी बहुत लंबी है। एंड क्विक एज अ कैट, और उस पर भी वो एकदम बिल्ली की तरह तेज़ दौड़ती है। एंड सी श्योर कैन टॉक, और हाँ बोलती तो भयंकर है। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम एंड ही इज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स। और उसने कहता है, मैं तो शर्त लगा लूँ इस बात के लिए कि किसी ने जो है ओलिवर को बता दिया है कि हम लोग उसके पीछे हैं, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, और वो जाके अपनी मम्मी के पल्लू के पीछे छुपने चला गया। विल ट्राई हर, चलो लेकिन फिर भी चलो वहाँ भी थोड़ा कोशिश करते हैं, बट यू बेटर लेट मी डू इट, लेकिन बढ़िया रहेगा कि आप मुझे करने देंगे, खुद जाएंगे पता चला मारपीट पड़ जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ। भाई साहब आप हो सकता है जो है लिटरेचर और कानून बहुत अच्छे से पढ़े हो, बट यू हैवेंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। लेकिन हाँ यहाँ गांव की जो स्थिति से बढ़िया जो है मतलब आप रूबरू नहीं है ना, इसके बारे में अच्छी ट्रेनिंग आपने नहीं ली है। वी ड्रू इन टू अ पुअर फार्म यार्ड। हम लोग फिर जो है एक छोटे से फार्म यार्ड में पहुँचते हैं। वी वर फेस्ड बाई एन इनॉमस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमेन। हम लोग जो यहाँ पर पहुँचे तो हम लोग को कौन मिलती है वहाँ पर, बहुत ही बड़ी सी और जो होती चेयरफुल औरत जो है दिखाई पड़ती है, मिलती है। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड। माई गाइड मतलब जो है बिल मैग्नूसन, वो जो है बड़ी हिम्मत के साथ उसके पास जाता है और कहता है, रिमेंबर मी, अरे याद है मैं बिल मैग्नूसन, मैं द कार्टर एंड हैकमैन, वही घोड़ा गाड़ी वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके बेटे ओलिवर को ढूंढने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, तो वो जवाब देती, खैर मुझे ओलिवर के बारे में कोई जानकारी नहीं, एंड आई डोंट वॉन्ट टू, और हाँ मुझे जानना भी नहीं है। शी शाउटेड, चिल्ला के बोली। नाउ लुक हियर, हर ध्यान से सुन लो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, अब तक हम लोगों ने बहुत नॉनसेंस जो है झेल लिया है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ओलिवर लिटकिंस। और ये भाई साहब कोर्ट से आए हैं और शहर से आए हैं, और आपको बता दें इनके पास नोटिस है आपके ओलिवर के लिए कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की छानबीन की जाए। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बिल इस तरीके से बोला तो ऐसा लगा कि वो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। एंड वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और जो है वो औरत थोड़ा सा उससे इम्प्रेस हुई, लेकिन इम्प्रेस का मामला थोड़ा और गड़बड़ाने वाला है। सी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। वो जो है किचन में चली गई और हम लोग उसके पीछे गए। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव। वो जो है बढ़िया बड़ा सा जो है आयरन रॉड निकाली, अपने हाथ में पकड़ी, और जो है कहाँ से उठाई थी, एक पुराना सा जो ओल्ड फैशन स्टोव था। एंड मार्च्ड ऑन अ शाउटिंग, हमारी तरफ दौड़ पड़ी चिल्लाते हुए। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, ढूंढ लो बहुत अच्छे से ढूंढ लो, आओ आओ ढूंढ लो आओ, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। हाँ अगर यहाँ पे जो है ढूंढने आए तो सोच लो जिंदा जला देंगे तुमको। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट हर फ्राइटेंड रिट्रीट। और फिर जब हम लोग भागे, रिट्रीट मतलब भागना, हम लोग भागे तो जो है खूब कस कस के चिल्ला भी रही थी और हंस भी रही थी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर सील मर्डरर्स। तो बिल बोलता है, बिल विस्पर्ड, बिल उसके कारण बोलता है, भैया भागो यहाँ से, ये तो मार देगी हम लोगों को। आउटसाइड ही सेड डिड यू सी हर स्माइल। बाहर जाके कहता है कि देखा कैसी स्माइल कर रही थी, बहुत खतरनाक लेडी है। डिड यू सी वॉज लाफिंग एट अस, हम लोग के ऊपर हंस रही थी। आई एग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। मैंने भी मतलब सोचा कि भाई ये तो बहुत मतलब बेइज्जती वाला जो है ट्रीटमेंट किया उसने। वी डिड हावर सर्च द हाउस, फिर भी हम लोगों ने किसी तरीके से चुपके से घर की खोज भी की। सिंस इट वॉज ऑनली वन स्टोरी है, क्योंकि घर में खाली एक ही फ्लोर था। बिल वेंट राउंड इट, बिल जो है चारों तरफ गया। पेयरिंग इट इन एट ऑल द विंडोज, सारी खिड़कियों से झांका उसने। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, फिर हम लोग जो है बार्न भी देखे, बार्न मतलब पशुओं के जो है बांधने का जो है जगह,
और जो है स्टेबल मतलब घोड़ों के बांधने की जगह। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, हम लोगों का मतलब एक बार निश्चित हो गई थी कि अब लुटकिंस वहाँ पे नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब जो है मेरी जो है ट्रेन का भी टाइम हो गया था। एंड बिल ड्रूव मी टू द स्टेशन, बिल मुझे स्टेशन पे लेके आ गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, और जब मैं वापस जा रहा था शहर तो इस बात की मुझे बहुत ही कम चिंता थी कि ओलिवर लुटकिंस को मैं ढूंढ नहीं पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैगमुशन, मैं बिल मैगमुशन के बारे में सोचने में काफ़ी बिजी था। आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और मतलब मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि मैं फिर से अब जो है वापस आऊँगा कहाँ न्यू मिलियन, और यहीं अपना लॉ की प्रैक्टिस करूँगा, यहीं वकील बन जाऊँगा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल टू सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। और हाँ, मैंने अगर जो है एक बिल मुझे मिल गया बहुत ही डीप और एक बहुत ही रिच मतलब दिल का अमीर इंसान जो है मुझे मिला, तो और शायद उसकी वजह से ही मैंने जो है फ्रिट्स और गुस्ताफ को भी न जाना गया था। अगर वो नहीं मिला होता तो जो है मुझे फ्रिट्स गुस्ताफ और सैकड़ों जो है बढ़िया स्लो स्पोकन जो इस गांव के निवासी से मेरी जान पहचान नहीं होती। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स, मैंने अपने आप को बहुत ही हैप्पी लाइफ के बारे में इमेजिन किया, जैसे कि मतलब बड़ी क्या नाम है यूनिवर्सिटी और जो है क्या नाम है बड़ी सी लॉ कंपनी के अलावा मैंने इमेजिन किया कि गांव में कितना सुकून है, कितना मज़ेदार यहाँ लगेगा। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीवन जीने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, लेकिन अगर मैं लुटकिन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था तो ऑफिस डिड, मेरे ऑफिस वाले ज़रूर सोचते थे, मैं नहीं सोचता था कोई बात नहीं, लेकिन वो सब बहुत सोचते थे। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और जब मैंने बताया तो सब पूरे के पूरे अपसेट हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह कोर्ट में जो है केस आने वाला था। एंड दे हैड टू लीव हैव लुटकिंस, उन लोग को लुटकिंस की सख्त ज़रूरत थी। आई वॉज शेमफुल, मुझे शर्म भी आ रही थी, यूजलेस फूल, यूजलेस भी अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं एक काम पूरा नहीं कर पाया जो मुझे दिया गया था। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, उस सुबह मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो लीगल करियर है वो आज ख़त्म ही हो जाएगा शुरू होने के पहले। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो उसका चीफ था ऐसा लगा कि आज मुझे मर्डर ही कर देगा मेरा। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, उसने ये भी देखा कि बढ़िया रहेगा कि तुम जाके कहीं गड्ढा खोदो क्योंकि तुम एक आदमी को नहीं ढूंढ सकते हो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुटकिंस, मुझे फिर से ऑर्डर दिया गया कि मैं फिर से न्यू मिलियन जाऊँ, और इस बार मेरे साथ एक आदमी गया जो कि लुटकिंस के साथ काम किया था यानी उसको पहचानता था। आई वॉज रेदर सॉरी, मुझे काफ़ी जो है सॉरी महसूस हो रहा था बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, क्योंकि इस बार जो है ये बंदा साथ में है तो इस बार मैं जो है बिल के साथ फिर से घूम नहीं पाऊँगा, लोफिंग का मतलब घूमना। व्हेन दी ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, जब ट्रेन न्यू मिलियन स्टेशन पे पहुँचती है, बिल वॉज ऑन द स्टेशन, बिल स्टेशन पे ही था, प्लेटफॉर्म पे ही था, नियर इज कार्ट अपनी गाड़ी के पास में। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, और सबसे स्ट्रेंज बात जो मुझे दिखी वो जो बूढ़ी सी जो है क्या ना शेरनी थी वो वहीं पर लुटकिन जो कि लुटकिन की मदर थी वो उससे आज मैगनूसन से हंस हंस के बातें कर रही थी, नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, उससे झगड़ा भी नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, और जब मैं ट्रेन से जैसे ही उतरा मैंने बिल की तरफ इशारा किया अपने कंपेनियन अपने साथी को कहा कि देखो वही है कल जो मुझे घुमाया था। देर इज़ अ फाइन फेलो अ रियल मैन, वही देखो कितना अच्छा आदमी वो खड़ा है ना, बहुत अच्छा इंसान है। आई स्पेंड द डे विद हिम, मैं कल उसी के साथ पूरा दिन था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, तो वो थोड़ा सवाल के इस लहजे में पूछता है, अच्छा यही आदमी है जिसने कल तुम्हें जो है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद की थी? यस ही हेल्प मी अलॉट, हाँ बड़ी मदद की थी मेरी उसने, ही मस्ट हैव, हाँ बिल्कुल तुम्हारी मदद तो उसने जरूर की होगी, ही इज़ लुटकिन हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही लुटकिन है इसलिए तुम्हारी मदद की होगी और तुम जो पूरा दिन उनको ढूंढ नहीं पाए होगे। वट रियली हर्ट मी वॉज दैट When I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. अच्छा फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे और जब हमने लुटकिन को समन दिया तो सबसे भयंकर जो सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाने वाली बात हुई क्या कि उसकी मम्मी और वो यानी लुटकिन की मम्मी और लुटकिन मेरे पर बहुत हंसे, सब ऐसा लगा कि मैं 7 साल का बच्चा हूँ। With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee, और जो है बहुत ही प्यार से उन लोगों ने पूछा कि हम लोग जो है प्लीज़ एक वो उनके पड़ोसी के हम लोग एक कप कॉफ़ी पीने के लिए चलें। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्जियस टू लुक एट यू,
मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन वो लोग कल तुमसे नहीं मिल पाए, बाकी तो पूरा गांव लगभग मिल ही लिया था, वो लोग नहीं मिल पाए और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, सेड लुटकिंस जॉयफुली, काफ़ी हंस के खुशी खुशी कहता, दे आर अबाउट दी ओनली फॉक्स इन टाउन दैट मिस सीइंग यू स्टडी। वही लोग हैं ऐसे जो कल आपको जो है शहर में देखना जो है बच गए थे, वो आपको नहीं देख पाए थे, बाकी लोगों ने तो आपको देख ही लिया था। इसे लिखा है सिंक्लेयर लेविस ने, और बहुत ही मज़ेदार कहानी थी जिसमें एक जो है लुटकिन नाम का व्यक्ति, उसको ढूंढने के लिए एक लॉयर आता है और जो है बेचारा पूरा दिन उसी के साथ घूमता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वही लुटकिन है। तो ये तो था कहानी का ट्विस्ट, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। क्वेश्चन आंसर की बात कर ले, व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मिलियन डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस, व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद हिज प्लान फॉर लुकिंग द लॉयर। तो जब लॉयर न्यू मिलियन पहुँचता है तो उसको उस समय नहीं पता था कि जो है बिल जो है बिल को नहीं पता था कि ये ओलिवर लुटकिन को ढूंढ रहा है, तो बाद में धीरे धीरे जो है पता चलता है बातचीत करते करते कि जो है वो ओलिवर लुटकिन को ढूंढ रहा है, और फिर उसके दिमाग में प्लान आता है कि जो है इससे पैसा भी उसको ले जाए, उसको पूरा दिन घुमा भी दिया जाए, ओलिवर लुटकिन उसको मिलेगा भी नहीं। लुटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज, हाउ इज इट दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट, हिंट नोटिस दैट द हेड ड्राइवर आस्क द लॉयर टू कीप आउट ऑफ द साइड बिहाइंड हिम व्हेन दे गो टू द इनटू फ्रिट्सा। तो एक्चुअली मैं वो पहले ही इसको समझा देता कि ना भैया मैं जब किसी से पूछने जाऊँ तो आप थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि कोई अनजान सा आदमी फैशन वाला आदमी जो है शहर से आया है और उसको ढूंढ रहा है, तो जो है सब लोग सस्पिशियस हो जाएंगे और उसको बता देंगे और वो छुप जाएगा। तो इससे अच्छा आप मत जाइएगा, हम ही जाएंगे। तो जाके क्या करता था, सबको पहले ही समझा देता था कि ऐसा ऐसा आदमी आएगा, पूछेगा, उसको बोलना नहीं है, अभी 5 मिनट पहले निकल गया। सब लोग उसको जानते थे ओलिवर को वहाँ पर, तो सब लोग भाई गाँव वाले उसकी मदद करते थे, उसके हिसाब से बोलते थे। Why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? आखिर में जो है वो लोग क्यों जो है उस लॉयर से मिलना चाहते थे गांव वाले लोग, क्योंकि उन लोगों ने कल का मज़ा जो है मिस कर दिया था। कल जो है बाकी पूरा गांव जो है मज़ा देख रहा था कि वो लोग लुटकिंस एक आदमी को घुमा रहा है और वो आदमी उसी को ढूंढ रहा है जिसके साथ घूम रहा है वो, और जो है पूरा गाँव उस मज़े को बहुत मज़े से उस चीज़ को देख रहा था। सबको ये बात पता थी, लेकिन बस खाली किसको नहीं पता था, उसी लॉयर को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक पड़ोसी मिस कर गए थे, वो लोग अब उसको बहुत ही हार्डली मिलना चाहते थे। आफ्टर हिज फर्स्ट डे एक्सपीरियंस विद द हेड ड्राइवर द लॉयर थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू विलियन टू प्रैक्टिस लॉ। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसिडर दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकेंड विजिट? नहीं, उसने जो है इस आइडिया के बारे में दूसरी बार नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसको जब अपने ऊपर तो बहुत ही वो महसूस गुस्सा आ रहा होगा कि ना कितना मूर्ख बना दिया मुझे, इस गाँव में तो दोबारा नहीं आएंगे, तो मुझे सब जो है मूर्ख मूर्ख करके चिढ़ाएंगे। Do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? हाँ, थोड़ा सा जो है बेचारा सीधा आदमी था, इसलिए जो है क्या ना इसके साथ ऐसा हुआ। हाँ, उसने जो है ऐसा अवॉइड कर दिया होता अगर उसने जो है अपने सीक्रेट जो है डायरेक्टली ओलिवर लुटकिन का नाम नहीं लिया होता कि वो ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहा है, या फिर जो है उसने कुछ और तरीका जो है अपनाया होता है ना, उस बंदे के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया होता तो शायद जो आसानी से ढूंढ लेता उसको। चलो, डू वी कम अक्रॉस पर्सन्स लाइक लुटकिंस ओनली इन फिक्शन, डू वी इनकाउंटर देम इन रियल लाइफ एज वेल? तो ये जो ऐसे कैरेक्टर है रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम फिक्शन और नैरेट एन इंसिडेंट दैट यू हैव रेड इन द न्यूज़पेपर और इंसिडेंट फ्रॉम रियल लाइफ। तो रियल लाइफ के बहुत सारे आप लोगों के हर किसी के घर के आसपास ऐसे एक आधा इंसान जरूर होंगे जो अक्सर हर बात में जो है बेचारे मूर्ख बन जाते हैं। हु इज़ अ कॉन मैन और अ कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर? कॉन मैन क्या होता है, जिसे ठग कहते हैं। कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर मतलब एक व्यक्ति जो मतलब ठगी करता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलता है और झूठ को अपने एकदम सही आपको दिखाता है और फिर बाद में आपको ठग लेता है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। चलो, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पढ़ाई में डीजी।